जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान ये जो तोड़फोड़ हुई है? जी हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी इनको। जो है पहले एक दो दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए ना ही कुछ करा जाए, एक दो दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं कि मतलब कि जिसकी दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे। न्यूज पे तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर मैं हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है बाइक को जो है स्कूटी विस्कूटी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया, इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी कोई नोटिस कभी आपको आया है एनसीडी से? नहीं आया कभी भी, कभी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया कभी। अच्छा, और सुबह भी कितने बजे से चल रही है? क्या कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं दिया गया। और आप नोटिस, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही? बिल्कुल, आप देख लीजिए ये मस्जिद के यहाँ से शुरू किया यहीं पे खत्म हो गया, आगे कहीं नहीं गए। सारे एक घंटे पहले सुना था कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया है तोड़ने के लिए, मना कर दिया, मगर फिर भी देखिए तोड़ने के बाद अब गए हैं, ये शांत हो गए सारे। क्यों? मस्जिद के आगे का गेट तोड़ दिया इन्होंने, देखिए इधर का सारा कितने जनों का नुकसान कर दिया। आप लोगों में से किसी की दुकान तोड़ी गई है क्या? जी हमारा भाई का तोड़ा गया है, ये हमारे यहाँ पे मोबाइल भाई उनका दुकान है, चार्जर वगैरह का, उनका भी तोड़ दिया है। देखिए ये सीख का दुकान लगता था, ये भी तोड़ दिया गया है। अब कोई ना इन्होंने परमिशन दिया, ये क्या जितने देखे मोटा मोटा लोहा लंगर था वो उठा के लेके चल दिए। अगर इनको ये करना है सारा ये मलबा भी सुना इन्होंने साफ किया और खाली मोटा ही लोहा वो ये सब उठा के लेके चल दिए, ये कोई इंसाफ की बात है? ये तो एक तरफा ही है खाली।